आज हमारा जो कार्यक्रम था वो अपने चुनाव क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसका प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हाल में ही जनवरी के महीने में जब हमारा मंडी का कार्यक्रम था, हमारा जहां डायरेक्टरेट है तकनीकी शिक्षा विभाग का, ये बात मैंने वहां भी कही थी कि जो वर्तमान स्वरूप हिमाचल प्रदेश का है, जिसे हर दृष्टिकोण से हमारे प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग का है। और जो जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान ने हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझ पे रखा है, और ये तभी संभव हो पाया जब यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन जुब्बल नावर कोटखाई की आप सबके आशीर्वाद से जनादेश मिला। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार की चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन विभाग की बात हो, क्वालिटेटिव और जॉब बेस्ड एजुकेशन, ये हमारी सरकार के मैं समझता मुख्य बिंदु रहेंगे। और चंदेल जी यहाँ बैठे हैं, वो स्वयं जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इन सब बातों को लेकर हर 15-20 दिन के अंदर अंतराल में ही इन सभी बातों का रिव्यू करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी जो आज के समय में हमारे रेलिवेंट कोर्सेज है वो हमारे इन संस्थानों में लाए जाए। और विशेषकर अगर तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि विभाग अगर मैं अपनी बात करूं मेरे लिए नया है, पीछे हम सुंदरनगर नेगी जी भी साथ थे, तो वहां से पूरे संस्थान हिमाचल प्रदेश में जो आज अगर आईटीआई की बात करें, लगभग अभी बता रहे थे 158 के आसपास तो आईटीआई हो चुकी है, इंजीनियरिंग कॉलेज 5 से अधिक, पॉलिटेक्निक भी मैं समझता हूँ कोई 37 के आसपास आपके पूरे प्रदेश में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन चुका है, लेकिन उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर भी हमारे चुनाव क्षेत्र में चाहे कोटखाई प्रगति नगर की बात हो, यहाँ पर हमारे इन संस्थानों को सुदृढ़ किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास लाता हूँ। यहाँ पर भी जो बहुत सी बातें मेरे संज्ञान में आई, वैकेंसीज की बात, क्योंकि हमारे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग कोई 40% के आसपास पद रिक्त पड़े हैं, और उसमें हमारा ये संस्थान में छूता नहीं, यहाँ पर भी लगभग ये संख्या 50% के आसपास है, इसको चरणबद्ध तरीके से इन पदों को भरा जाएगा। साथ ही साथ जो संस्थान के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, वो प्राथमिकता के आधार पर प्रगति नगर हमारे संस्थान को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मैं आपको सभी हमारे जो अधिकारी हैं, सभी जो हमारे टीचर्स हैं, मैं आपको विश्वास लाता हूं, क्योंकि हम सबका सपना है कि एक अच्छा संस्थान यहाँ पर स्थापित हो। राजा वीरभद्र सिंह जी के सोच थी कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अपने सेब उत्पादन के लिए विशेषकर कोटखाई पूरे प्रदेश में जाना जाता है, कार्टन फैक्ट्री थी, और उसके उपरांत डॉक्टर जी के कार्यकाल के दौरान हमें ये संस्थान मिला। मैं आप सबके मार्गदर्शन से इसको और सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास करूंगा, मैं आपको विश्वास लाता हूं। साथ ही साथ अगर हम जुब्बल की बात करें, क्योंकि वहां पर भी कार्यक्रम है, वो हमारा मैं समझता हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी ने 1970 के दशक में, जब आज तो 158 के आसपास आईटीआईज है, मात्र 15-16 आपके आईटीआईज हुआ करती थी, सब जुब्बल में आपकी आईटीआई खुली थी, वहां का भी मैं समझता हूँ निरीक्षण करेंगे, और आने वाले समय में किस तरह से हम अपने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के संस्थानों को और सुदृढ़ कर सके, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। टिक्कर में हमारा पूरा प्रयास है कि इसी वर्ष में हमारी बिल्डिंग का काम मुकम्मल हो, और वो भी जनता जनार्दन के लिए, हमारे बच्चों के लिए समर्पित हो, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। और ये भी हमारे जिले के लिए गर्व की बात है कि
जो हमारा फार्मेसी कॉलेज रोड़ू में है, क्योंकि एक ही क्षेत्र है, चाहे आप कोटखाई की बात करें, जुब्बल रोड़ू की, आपकी जो नेक की एक्रेडिशन जो मिली है अभी तक, जिसमें हमारे पांच हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, चार पांच हमारे फार्मेसी कॉलेज है, वो मात्र रोड़ू को मिली है। हालांकि रोड़ू हमारा सबसे दुर्गम क्षेत्र है, लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोड़ू है, तो मैंने विशेष रूप से कार्यक्रम वहां का बनाया है ताकि वहां जाकर जो हमारी फैकल्टी के मेंबर्स हैं उनको भी इनकरेज किया जा सके और औरों को भी प्रेरणा मिले। चाहे हम प्रगति नगर की बात करें कि हम आने वाले समय में इन कार्य को उत्तीर्ण करें। नए कोर्सेज की बात आई और इसको तो व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, मैं भी इन सब बातों को अब समझने लगा हूँ। लेटेस्ट कोर्सेज हमारे यहाँ पर, चाहे प्रगति नगर की बात है, चाहे अन्य संस्थानों की बात हो, जो जॉब बेस्ड हो, जो आज के समय में हमारे को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका राठौर जी की होगी, जिनका संबंध इस संस्थान के साथ बहुत पुराना है। हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान भी दोनों सिंह साहब ने और राठौर जी ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी है। और मुझे याद है जनवरी के महीने में ये कार्यभार शिक्षा का और तकनीकी शिक्षा का मुझे मिला था, तो जो पहली फाइल मेरे पास आई थी वो राठौर जी की आई थी। उस वक्त प्रस्ताव इनका नगरोटा के लिए था, लेकिन वही बात है कि जहाँ पर आपका अंजल लिखा हो आप प्रगति नगर में आए हैं। जैसे पिछले कल में कांगड़ा था, वहां पर भी बात चली, सहगल साहब उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हमारा नगरोटा में आपका संस्थान बना है, जहां इसके लिए लगभग कोई 69 करोड़ के आसपास की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन है। वहां पर लगभग 300 करोड़ के आसपास की लागत से एक बहुत बड़ा संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज बना है और वो आपके गुरु रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हीं पदचिन्हों पर हम आगे चलते हुए प्रगति नगर का भी, जो मैं समझते से भी हमारे चंदेल साहब का भी कंप्यूटर साइंस में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, अन्य क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैं विश्वास लाता हूँ राठौर जी को, सिंह साहब को, क्योंकि मुख्य रूप से संस्थान आप लोगों ने यहाँ पर चलाना है। सरकार की तरफ से हर तरह का सहयोग आपके साथ रहेगा, तो यहाँ से संबंधित चाहे वो लोक निर्माण विभाग की बात हो, चाहे आईपीएच विभाग की बात हो, जल शक्ति विभाग की बात हो, चाहे बिजली विभाग की बात हो, हर तरह का सहयोग रहेगा। और विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं जो यहाँ की समस्या रहेगी, क्योंकि संस्थान हमारे क्षेत्र का गौरव है, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और मैं समझता हूँ सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास रहेगा। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, वैसे हर दूसरे तीसरे महीने मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ पर आऊँ और जो यहाँ की गतिविधियां हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूं और उसका समाधान निकाला जा सके। आज क्योंकि कांगड़ा से प्रोग्राम हमारा प्रारंभ हुआ, कोई एक दो घंटे विलंब उस कारण हुआ है, इसके बाद हमने अभी मैं समझता हूँ अभी जुब्बल भी जाना है, वहां पर भी आईटीआई में कार्यक्रम रखा है कि जो वहां की समस्याएं हैं उसके बारे में भी परिचित हो और आने वाले समय में एक मैं समझता हूँ रोड मैप बनाकर हम इन समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान निकाल सके। मैं पुनः अपने सभी जो हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हैं इस संस्थान के, उनका धन्यवाद और भार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का समस्त, जो यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ लोग आए हैं, सभी हमारे मैं समझता हूँ अभिभावक भी यहाँ पर आए हैं, सभी हमारे युवा साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और पुनः मैं यही विवेक चंदेल जी से बात कर रहा था, यहाँ पर हमारे चीफ इंजीनियर BSNL के भी आए, क्योंकि उनके माध्यम से ही ये सारे बिल्डिंग वर्क्स हो रहे हैं। जैसे मुझे बताया गया है ऑडिटोरियम की बिल्डिंग हमारी मई के महीने में कंप्लीट होगी। एक जो हमारा यहाँ पर ITI की बिल्डिंग का निर्माण का कार्य चला है उसके लिए भी हमने इसी वर्ष के अंत तक अपना टारगेट दिया है, शीघ्र अति शीघ्र एक कार्य मुकम्मल हो, पैसे का प्रावधान किया जाएगा। मैं शीघ्र हो सकता कल या परसों ही इसके बारे में अलग से मीटिंग रखूंगा, इसमें चंदेल